नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक माइक एम्पलीफायर सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक LM386 आईसी। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10UF63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है आईसी के एक नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 10K रजिस्टर को इस आईसी के 6 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K प्रीसेट। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें प्रीसेट के इस पॉइंट को सोल्डर करना है इस 10K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद प्रीसेट के इस पॉइंट को हम इस आईसी के 2 नंबर और 4 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10NF कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ और आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100UF25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है आईसी के 5 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार के साथ हम लोग एक स्पीकर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक कंडेंसर माइक। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें माइक का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद माइक का नेगेटिव पॉइंट हम प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। हेलो 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 हेलो, तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक माइक एम्पलीफायर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।